बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। जनाब ये जो मीटिंग है ये दोस्तों के साथ हम बात कर रहे हैं। दोस्त एक ही दोस्त ने एक बात किया कि अंधेरे में कर रहे हैं तो शायद रोशनी का इतमाम मैंने नहीं कर सका क्योंकि आई एम अवे फ्रॉम माई स्टेशन से बाहर हूँ, तो इस वजह से फोटो भी दिन के वक्त रोशनी होती है तो कुछ और होता है। एनीवे मेरे साथ इस वक्त एक मेहमान है जनाब उस्मान कियानी साहब और यूके पीएनपी के यूरोप यूके के प्रेसिडेंट हैं, वेरी एक्टिव हैं, सोच समझ वाले हैं, पढ़े लिखे हैं और इनसे पहले भी टाइम एक दो बार लिया लेकिन उसके बाद काफ़ी अरसे बाद मेरे हाथ में लगे। उस्मान कियानी साहब वेलकम टू द शो। यहाँ पर इसको हम बात कर रहे हैं तकरीबन 12 रात के 12 बज गए हैं, ठीक है जी। क्योंकि आप इसी वक्त मिलते हैं, काम का मसला होता है तो मैं अभी काम से आया हूँ जी। काम से आए हैं तो ज़रा भी आपका कारोबारी मसला है उसमें भी अर्ज नहीं करना चाहते हम। सर जी मुझे बताएं कि हम बात करना चाहते हैं कुछ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की भी और कुछ अफगानिस्तान में भी और खिते के बारे में जो मामलात हैं उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आज जो है ना जो गर्म गर्म खबर है वो ये कि पाकिस्तान के एक वजीर जो है ना गंडापुर साहब तो वो बाघ में तशरीफ ले गए तो सुना कोई मुजाहरा भी हुआ और शायद जूता भी मारा गया, इस पर कोई तबसरा करें कि क्यों जूता मारा गया, उनका कसूर क्या था? थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें रख दिया और आपके नाज़रीन के लिए कि आप अपने ख्यालात आपके साथ और आपके नाज़रीन के साथ अपने ख्यालात को शेयर करें। तो सबसे पहले जो आपने बात पूछी है गंडापुर साहब की कि वो बाघ के अंदर गए, ये खबर मैंने मेरे काम पे ही था तो मैंने देखी थी, मुझे दोस्तों ने भेजी भी वहाँ आज़ाद कश्मीर से, बल्कि हाड़ी गल जो जगह है बाघ की वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे पर्सनल वीडियो भी भेजी हुई है जो बनाई है उन्होंने वहाँ पे। अच्छा वीडियो आई है आपके पास? जी मेरे पास आई हुई है। अच्छा तो वो देखे जी मैं ये बताएं कि जूता टारगेट पर लगा है या आगे पीछे हो गया? नहीं देखे जूता टारगेट पर लगना ना लगना अलग बात होती है, लेकिन जूता उछालना किसी भी बाइज्जत आदमी के लिए मतलब किसी के ऊपर जूता उछालना ये देखें आप बड़ी उस तरह की बात होती है। ठीक है बाइज्जत आदमी के लिए ठीक है सही है। जी 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 तो मैं समझता हूँ कि मैं जाती तौर पे तो आपको पता है कि जो हम जो आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तानी जरा इंतज़ाम कश्मीर या ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भी कश्मीर है उसके जो लोग हैं वो राजवाती तौर पे बड़े मेहमानदार लोग हैं, वो किसी की बेइज्जती या इस तरह की इंसल्ट नहीं करते। लेकिन ये गंडापुर साहब ने बहुत सारी मतलब जो कश्मीरियों के हवाले से और जैसे जम्मू कश्मीर के हवाले से जो बातें की हुई थी तो वो लोगों के जहनों में बिल्कुल थी, वो नौजवानों के जहनों में थी, मुश्ताइल नौजवान बहुत मुश्ताइल थे तो वो जाहिर देख रहे थे। तो मैं एक दोस्त से बात हो रही थी, मैंने उसे कहा कि देखो ये बात ये है कि कोई बाइज्जत आदमी कोई इज्जत रखने वाले लोग या कोई समझदार लोग अगर वो अगर कुछ इस तरह की बातें करें तो फिर उसका नोटिस भी लिया जाता है, उनको जूता भी कोई इस तरह की बात हो तो वो। लेकिन ये जो पीटीआई के जो लोग हैं ये अमीन बंडापुर हो ये इमरान खान हों या उसके कोई और जो चमचे वगैरह हों तो इनका तो कल्चर ही गाली गलोच और ये मतलब इस तरह की है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इसको फरोग दिया गालम गलोच को पॉलिटिक्स के अंदर, फिर मतलब एक दूसरे की शलवारें उतारना एक दूसरे के नंगे मतलब ये खुद नंगे लोग हैं बेसिकली मैं ये समझता हूँ। तो इनकी तो कोई ऐसी इज्जत तो है नहीं कि इनके ऊपर जूता फेंका गया तो इनकी कोई बेइज्जती हो गई, तो ये तो है ही ऐसे मतलब इस तरह के लोग मैं नहीं समझता कि ये कोई बहरहाल हम इसके लेकिन ये रिएक्शन तो है ना। देखिए जी अगर वो कहेंगे मसलन फयाज़ुल हसन चौहान साहब हैं वो भी बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं कश्मीरियों के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, आज़ाद कश्मीर के लीडरशिप के लिए, और उनको गद्दार कहते हैं और बड़े 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 उन्होंने ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जो कि कम से कम मैं अदा नहीं कर सकता। तो जब नहीं, बिल्कुल आप डॉक्टर साहब मैं आपकी बात के साथ इतफाक करता हूँ, जो फयाज़ुल हसन चौहान ने जो एक बात की थी ना उसके ऊपर जो बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ था, उसने कहा था कि जो हमारा एक हवलदार जो है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जो है तो कौन से पकड़ के नीचे उतारने की सलाहियत रखता है या वो ताकत रखता है, तो ये मतलब है उसने एक प्राइम मिनिस्टर की या पूरे आजाद कश्मीर का जो भी जो सो कॉल्ड जो सिस्टम है उसके एक नुमाइंदा है तो उसकी उसने तजलील की थी। तो उस हवाले से लोगों में बहुत रिएक्शन होता तो लोग मतलब आके देखें इन लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर देखें कहीं भी देखें जितनी गालियां इन लोगों को पड़ती हैं अगर इनके अंदर कोई इज्जत गैरत हो ये अपना कोई लहजा ये अपनी कोई बॉडी लैंग्वेज कोई सिस्टम चेंज करें तो वो इमरान खान ने इनको बताया हुआ है कि ये लेकिन बात ये कि हमें गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को देने दें गालियों ये भी देते हैं वो लोगों से लेते भी हैं लोगों को देते भी हैं, ये इन लोगों के साथ वो नहीं है। लेकिन
मेरा लोगों लोग मुश्ताहिल थे नौजवान, और इसमें मेरा गुस्सा था, और उस गुस्से के हवाले से जो है तो अमीन गंडापुर को ये मैसेज गया कि भाई तुम अपनी जबान जो है ना तो संभाल के बात किया करो, सारे लोग इस तरह से नहीं होते जिस तरह से तुम बातें करते हो तुम लोग। तो वो नौजवान ने जो है तो जूता उसके ऊपर उछाला। अच्छा इसमें इसमें बात यह है ना कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, बार बार जिक्र भी कर रहा हूँ कि सुना है कि आज बनीगाला में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, घंटापुर साहब वहाँ पर मौजूद थे, और जितने भी पीटीआई के जो मेंबर जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सबको बुलाया गया है, और इवन जिनके जीतने का कोई इम्कान नहीं है, कोई भी इम्कान नहीं है, उनको भी बुलाया गया है, और डिस्कशन हुई है कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, क्या हो रहा है और क्यों क्या करना चाहिए। और अब ये भी सुना जा रहा है कि इमरान खान, जिनके बारे में तस्दीकशुदा बात थी कि वो आज़ाद कश्मीर का दौरा करने वाले थे, उन्होंने मेंबर भी जाना था, ठीक है जी, जी आप जी जो लेटेस्ट जो है ना वो नज़र आ रहा है कि कहते हैं कि शायद वो ना जाएं, और शायद ये नज़र आ रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो कोई खासे मुश्तैले हो, ये भी हो सकता है कि मरियम नवाज जो है वो इतने बड़े बड़े जलसे कर रही है, तो उसके मुकाबले में अगर इमरान खान आए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जिनको ये जोम भी है कि मैं बहुत बड़ा पॉपुलर आदमी हूँ, हो सकता है कि उसके आते भी वो ना आ सकें, तो इस लिहाज से इसका खदशा है कि वो अपना दौरा जो है ना मुलतवी ना कर दें, कहेंगे ये मौसम खराब है या कोई पीर साहब ने कह दिया है नहीं जाना उधर। देखिए उसमें डॉक्टर साहब दो तीन बातें हैं, मैं आपको बताऊं कि एक तो जो ये जो सूरत हाल है आजाद कश्मीर के अंदर, ये इंतहाई डिफरेंट है पाकिस्तान से। और एक तो कश्मीरियों को ये दुख है, ये बात तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और सारी दुनिया को पता है, और पाकिस्तान के भी जो पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं उनको भी पता है कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने जिस तरह मोदी की गवर्नमेंट से गठजोड़ करके जो तकसीम है कश्मीर के ऊपर जिस तरह वो चल रहे हैं, और इसके मतलब है तकसीम कश्मीर की तरफ जो रवां दवां है, तो ये एक गुस्सा, तो ये सबसे जो मेन गुस्सा है वो कश्मीरियों के अंदर ये पाया जाता है। दूसरी चीज ये है कि आजाद कश्मीर के लोग इतने कोई बेवकूफ लोग नहीं है। आजाद कश्मीर के जो 40 लाख लोग में है उनमें से 15 लाख लोग जो है तो फॉरन में रहते हैं, और तमाम लोग वो कनेक्टेड है अपने रिश्तेदारों के साथ, जैसे आप हैं, आपके कई रिश्तेदार आपसे कनेक्टेड होंगे, मेरे कई रिश्तेदार मुझसे कनेक्टेड, इसी तरह बरतानिया के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। तो हम लोग कोई ऐसे गए गुजरे या कोई गारों में रहने वाले या पहाड़ों पे या कहीं मतलब जंगल में रहने वाले लोग नहीं है। हम लोग समझते हैं ऐसी चीजों को और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो उस हवाले से लोगों में एक कौम गुस्सा था। दूसरा, लोगों को ये पता है कि इस खान साहब की हुकूमत ने आके तो पाकिस्तान का जो 3 साल में जो बेड़ा गर्क किया, जो पाकिस्तान के लोगों के जो हालात कर दिए, और वो लोग तो दो टाइम का खाने के लिए मजबूर है, तो ये गुस्सा भी कश्मीर के लोगों के अंदर था। तो वहां पे आपको पता है कि खौफ के साए तले ये इलेक्शन को चोरी करना चाहते हैं, अभी भी वो चाहते हैं, उनका प्लान पूरा है कि वहां का जो जो नुमाइंदे हैं वो बना के, तो जो तकसीम कश्मीर के हवाले से उनको अपने लोग चाहिए अपनी सोच के, जो उनके आगे जो है तो यस सर और नो सर वाले ऐसे नुमाइंदे उनको चाहिए थे। लेकिन उसमें जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी, लेकिन मुस्लिम लीग नून का मैं ये समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा किरदार है कि जो उन्होंने मरियम को भेजा वहां पे, तो मरियम नवाज ने जो आके जिस तरह से, और फिर फारूक हैदर ने भी मतलब एक अच्छा स्टैंड लिया इस हवाले से तकसीम कश्मीर के हवाले से कि हम ये नहीं होने देंगे, तो उस हवाले से जो जलसे जुलूस हो गए, और जब लोगों का इमोशन इन्होंने देखा और लोगों की जज्बात इन्होंने देखे, तो ये तो दंग रह गए। तो इनकी मिसकैलकुलेशन जो है आज की मीटिंग का तो मुझे नहीं पता, जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि बनीगाला में हुई, क्योंकि मैं तो असल में बिजी रहा काम पे। नहीं बल्कि लेकिन अगर उनके बल्कि लाहौर जाना था, शेड्यूल उनकी विजिट थी लाहौर की थी, और इस उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, बहाना ये बना दिया कि मौसम ठीक नहीं है, वो नहीं किए, और बनी गला की जो मीटिंग है जिसमें आजाद की कश्मीर से जो सारे लोग आए हुए थे, जो लीडरशिप थी उनकी पीटीआई की, उन जो उम्मीदवार थे इलेक्शन के वो भी आ रहे आए, और जो 5-6 जो वजरा वो भी शामिल थे उसमें, डिस्कशन हो रही थी कितनी उम्मीद दी जा रही है इसको, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। हाँ चलिए, उसमें असल में ये भी उनको अच्छा मैं इसमें ये हुआ पूछा ना, करो कि मैं गंडापुर साहब को जूता अगर लगा, तो जिसने तकसीम में कश्मीर का और इस तरह इतना बड़ा उसने काम किया और बेड़ा पाकिस्तान में गर्क किया, तो ये भी तो खतरा है ना कि इमरान खान साहब को भी इस्तकबाल कर सकता है कोई बंदा वहां पे। तो वो ये शायद उनकी कैलकुलेशन होगी कि ये ना हो के मतलब है वहां पे जाके लेने के देने पड़ जाए, तो शायद हो सकता है इस हवाले से कोई सियासी मौसम भी गड़बड़ है, तो इन्होंने मौसम का शायद बहाना करके तो हो सकता है कि ये वो प्रोग्राम कैंसिल कर लें। यानी सियासी मौसम ठीक नहीं है ना। हाँ, सियासी मौसम गड़बड़ है। अच्छा तो मतलब हम देखें जी, जिस तरह भी है वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं, किसने बिठाया इसको छोड़ें, यानी कम से कम वो जब माने जाते हैं कि वो वजीर आजम हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये भी सेपरेट इशू है। अगर वो आते हैं और कोई आदमी
जूतों का कोई हार फेंक देता है या बदतमीजी कर देता है इस तरीके से, मेरी बात समझिए ना, तो इस तरीके जी से जी जी ये कहेंगे जी इस्लाम का किला उसका वजीर आजम है और उसकी तोहीन हो गई है, तो शायद इस पर भी गौर हो रही हो। ये भी हो सकता है ना कि जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो कह रही होंगी भाई बेहतर यह है कि ना जाओ, या नहीं कोई नहीं और नहीं जगह वही तो पर। उन्होंने ही कैलकुलेशन किया होगा, उन्होंने शायद उनको एडवाइस दिया हो कि भाई आपका जाना आपके लिए ठीक नहीं है और आप वहाँ अनपॉपुलर हैं और हम जितनी भी कोशिश करें मतलब पैसों के जोर पे या कहीं खौफ के जोर पे हम कितने लोगों को जो है तो एंगेज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो नहीं है। तो वो उनके और टैक्टिक्स होते हैं, वो अपने तरीके से जो लोग लोग हैं तो वो उनको मैनेज कहेंगे कि जी हम मैनेज करके तो जो कुछ सीटें जो हैं तो हम आपको करके देंगे, लेकिन आपके जाने से ये ना हो कि इमेज ऐसा बन जाए कि उसके बाद हम जो सीटें मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि आपको इतनी सी सीटें करके दे देंगे, तो अगर कोई इस तरह का कोई मामला बन गया वहां पे, कोई बदमजगी हो गई, कोई आपके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया, कोई आपके ऊपर कोई इस तरह की बातें कश्मीरियों ने शुरू कर दी, तो उसके बाद ये जो हम मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं ये बहुत बदमजगी हो जाएगी और लोग फिर कहेंगे कि ये तो इन्होंने सारा मतलब फ्राड कर दिया, इमरान खान को तो वहां पे ये किया गया था, तो इस हवाले से हो सकता है कि वो कोई प्लान चेंज कर रहे हो। अच्छा, इसमें देखिए ना, शायद आपने प्रोग्राम देखा होगा जिसमें कहा जा, एक पाकिस्तान के एक एंकर ने कहा है और बड़े उसके पास बड़ी मालूम होती है, उसने कहा था जी इन्ना साई फड़ी हुई है, यानी कि तकसीम है कश्मीर के लिए साई ली हुई है, आप समझते हैं कि उन्होंने पेशी की पैसा लिया बिल्कुल हुआ है कि हमने ये काम करना है, आजाद कश्मीर के बारे में भी, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी, सी पैक के बारे में भी, आपने शायद वो प्रोग्राम देखा होगा। जी, मैंने देखा था प्रोग्राम। और देखें डॉक्टर साहब, ये जो साई का चक्कर है, इन्होंने बस बहुत सारी सहियां ली हुई हैं, ये असल में देखें ये बड़े, फिर वो बात असल में दूसरी तरफ चली जाएगी, ये बड़ी ताकतों का जो मसला है उस खित्ते के अंदर, जो चाइना, देखें चाइना के साथ आप उसके किसी भी हवाले से चाइना से आप इख्तलाफ रखें, आप उसका इतफाक करें जो करें, लेकिन चाइना इस वक्त जो है तो दुनिया के अंदर राइज हो रहा है एज ए ताकत, ठीक है। अब हम नहीं समझते कि चाइना कोई इस लेवल पे आ गया है कि वो एकदम दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ जाएगा या वो पूरी दुनिया के ऊपर कोई कब्जा कर सकता है या वो इस पोजिशन में है, लेकिन चाइना ये एक हकीकत है कि चाइना राइज हो रहा है। अब ये जो लोग हैं इन्होंने जो पहले प्रॉक्सी जंगें लड़ी, और देखिए दुनिया के अंदर एक बात तो तय है ना कि पूरी दुनिया के अंदर इससे पहले रशिया की जो हालत हुई उसका आप ये समझते हैं कि रशिया कोई कम ताकत तो नहीं थी, रशिया तो आज भी बहुत बड़ी दुनिया की एक ताकत है। रशिया के टूटने की क्या वजह बनी, उसकी इकोनॉमिक पोजिशन बनी ना, बस सही है, कोई मतलब यह है कि एटमी हथियार उसके पास कम तो नहीं थे या उसके पास कोई फौज इतनी कम तो नहीं थी कि वो लड़ नहीं सकते थे, लेकिन उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन ने उसको दीवार के साथ लगाया और वो पीछे हट गया। तो यही सिचुएशन आज है, मतलब इनको ये जो उस खत्ते के जो हुक्मरान हैं उनको ये समझना चाहिए कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। ये जो आपने बात की वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन ये जो सही अली हुई है, ये कश्मीर का जो मसला है ये भी अब जो चाइना का जो स्टेक लग गया है वहाँ पे, वन बेल्ट वन रोड जो बिल्कुल सी पैक, ये जो है तो उसका सारा स्टेक लगे, उसने इतने बड़े पैसे लगा दिए हैं। मैं तो ज्यादा एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं जहाँ पे पैसा लगाता हूँ तो मैं ये सोच समझ के वहां पे पैसा लगाता हूँ और मैं ये 100% श्योर करता हूँ कि मेरा पैसा कहीं लॉस ना हो जाए, मेरी मुझे गारंटी चाहिए होती है कि मेरा पैसा कहीं नुकसान ना हो जाए। उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे कौन कौन सी कंपनियों से गारंटी लेनी है, कौन से बैंक से गारंटी लेनी है। मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन की हैसियत से अगर बात करता हूँ, वो एक इतना बड़ा मुल्क है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको तो सिक्योरिटी चाहिए, उसको तो वो अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है, उसको अपना जो एजेंडा है उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए फिर वो किसी एक मुल्क का या किसी एक खित्ते का या किसी एक बंदी की वो बात तो नहीं सुन सकता। अब ये जो मसला बना के अफगानिस्तान से जो अमेरिका निकल गया अचानक, जिसके ऊपर मतलब ये लोग भी बड़े परेशान हैं, ये बड़े हैरान और परेशान है कि ये अचानक से मतलब है वो कह रहा था कि मैं जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन इनको यकीन ये था कि वो जा नहीं सकता, वो फंसा हुआ है और हमने उसको फंसा के रखा है, तो ये जाएगा कैसे, ये ऐसे ही कह रहा है तो ये जरूरी होगा तो हम देखेंगे, तो हम इसको मजीद कमजोर कर रहे हैं इसमें जो मेरा वो। सवाल था वो इसी पर आने वाला था, जो आपने बात उस पर शुरू कर दी है, मतलब अफगानिस्तान से तो अमेरिका चला गया, अब ये है जी कि जी इसका मतलब ये नहीं है कि मसला अफगानिस्तान का हल हो गया बल्कि पेचीदा हो गया, और अमेरिका अगर गया तो वो एक सोचे समझे तरीके से और एक मेरे समझता हूँ कि जाल बिछा कर गया है, तो आप क्या समझते हैं कि उसके जाने के बाद इस खित्ते पर क्या असर पड़ेगा और अफगानिस्तान में क्या होगा?
देखें, अफगानिस्तान की जो मैं ये समझ रहा हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर हालात हैं बहुत खराब हैं, बहुत खराब होने जा रहे हैं जो मैं मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है अल्लाह अल्लाह ना करे कि ऐसे हो, मैं खुदा करे कि वहाँ अमन हो, वहाँ पे बीतरी आए, वहाँ पे लोगों को सुख का सांस लोग ले सकें, अमन से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन जो अमेरिका का निकलने के बाद वहां की सूरत आज जो मुझे नजर आ रही है, मुझे सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर नहीं नजर आ रही है, अफगानिस्तान के अंदर तो खाना जंगी लग रही है, लेकिन उसका फॉल आउट पाकिस्तान के अंदर, उसका फॉल आउट गलगित बल्तिस्तान के अंदर। ये जो जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, जो कश्मीर के हवाले से आपने मुझे क्वेश्चन किया था, वो असल में ये सारा कनेक्टेड है ये क्वेश्चन। क्योंकि जब देखें कि ये खत्ते से अमेरिका तो निकल गया, तो अब आप ये समझते हैं कि अमेरिका वहां पे इनकी शादियों में गया हुआ था, या 20 साल मतलब है वहां पे कोई ऐसे जाके कोई विजिट पे गया हुआ था तो चला गया, तो जंग आ गया तो ऐसे ही चला गया। अमेरिका जो 100 साल से अगर ताकत है, तो उसको इतनी आसानी से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो तालिबान है, उनका जो एजेंडा जो मुझे नजर आ रहा है, वो इनतहाई खतरनाक है, और उसके जो फॉल आउट है वो बहुत ही सीरियस। मैंने कल परसों एक प्रोग्राम में बात की थी, वो कनाडा से कुछ दोस्तों ने एक प्रोग्राम में लिया हुआ था, मैंने उनसे कहा था कि देखिए तालिबान जो है वो अब है वो भी सियासी हो चुके हैं, वो इतने वो पहले वाले बेवकूफ तालिबान नहीं है कि जिनको आप लोग इस्तेमाल करते रहे और आप ये समझते हैं कि आइंदा भी आप उनको इस्तेमाल कर सकें। तालिबान आज ईरान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, तालिबान आज रशिया के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, तालिबान हिंदुस्तान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, तालिबान आपसे भी बातचीत कर रहे हैं, तालिबान अमेरिका से भी बातचीत कर रहे हैं। तो तालिबान अब वो तालिबान नहीं है कि जिनको अब तो आप लोग चाइना से भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनसे भी बात कर रहे हैं। चाइना से भी बात कर रहे हैं। तो अब इस हवाले से उस खित्ते की जो ताकतें हैं और उस खित्ते के अंदर जो है लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर उस खित्ते में कोई अमन आएगा। अभी आप देखें कि कल मैं सुन रहा था हिकमतयार साहब का इंटरव्यू, गुलबदीन हिकमतयार और ये शुमाली एतिहाद वाले, तो ये तो एक वक्त ये था ना कि ये सारे लोग अमेरिकन कैंप में थे, पाकिस्तानी कैंप में थे, और ये सारे लोग मतलब तालिबान के खिलाफ, और कोई ईरान में जाके बैठा हुआ था, कोई कहीं जाके बैठा हुआ था, कोई कहीं पे जाके बैठा। आज ये तालिबान से डायरेक्टली अमन की भीख मांग रहे, ये कह रहे हैं तालिबान से कि हमें अमन चाहिए, आप जो है तो कोई ऐसी काम ना करें, हम आपके साथ साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे तालिबान को तो अब उनकी क्या जरूरत होगी, क्योंकि इसी से ये चीज पता चलता है कि अब तालिबान को अमेरिका ने कितना फ्री 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 हैंड दे दिया है कि आपको जो मर्जी है करना है कर ले। अब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, अगर रुकावट होती या कोई इस तरह का मसला होता, तो तालिबान इतनी तेजी के साथ पूरे अफगानिस्तान के अंदर वो कंट्रोल हासिल ना कर सकते। अब ये बहरहाल मैं समझता हूँ कि उस खित्ते को पुरअमन रखने के लिए, उस खित्ते के अंदर अमन सही मानों में अमन कायम करने के लिए, वहां की जो मल्टीपल ताकतें हैं, वहां पे कोई एक आदमी या एक मुल्क तो कुछ भी नहीं कर सकता, वहां की जो मल्टीपल जो रीजनल फोर्सेस हैं, उसमें चाइना है, इंडिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, इन सब ने मिलके ये जो पुराने जो फरसुदा किस्म की इनकी जो सोच और फरसुदा किस्म की इनकी पॉलिसीज थी, अब इनको एग्जिट करके तो एक नए 21वीं सेंचुरी के अंदर, 21वीं सदी के अंदर नए तकाजों के तहत, नए जाब्तों के तहत, इनको उस खिते में अगर लोगों को कोई अमन के साथ जीने का हक देना चाहते हैं, तो इन तमाम मुल्कों को मिल बैठ के तो कोई हल निकालना पड़ेगा। वरना उस खिते के अंदर मुझे कश्त खून नजर आता है, उस खिते के अंदर मुझे बर्बादी नजर आती है। और मैं बड़े रसूख से आपसे ये कहता हूँ कि जिस तरह का जो एक दिन आपने ये बात की थी मेरे साथ कि ग्रेट गेम का जो सेकेंड राउंड है वो स्टार्ट हो गया है, तो ग्रेट गेम का जो सेकंड राउंड है वो बहुत बड़ा भयानक हो सकता है। अच्छा मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें जी वो जो लोग रहते हैं समझते हैं फैंटेसी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, वो समझते कहते हैं जी अमेरिका भी हार गया, सुपर पावर है, इससे पहले रशिया भी हार गया वगैरह वगैरह। देखिए मेरे नज़दीक अमेरिका हार कर नहीं गया, ठीक है जी, तो वो उसने ईंट से ईंट बजा दी अफगानिस्तान की, ठीक। अगर तो अफगानिस्तान से जाने के बाद अमेरिका जो है टूट फूट का शिकार हो जाता है, कहीं कहीं टुकड़े हो जाते हैं, रियासतें आजाद हो जाती हैं, इकोनॉमिकली वो बैंक करप्ट हो जाता है, तो फिर तो तालिबान जीत गए, अमेरिका हार गया। वो एक सिस्टमेटिकली एक तरीके से बाहर निकला और ये लड़ेंगे वो आराम से देखेगा। अब उसके पास जब उसको जरूरत पड़ेगी उसके उसके बेड़े हर जगह खड़े हैं,
वो बात देखिए ये बात बिल्कुल आपकी डॉक्टर साहब ठीक है। देखिए अमेरिका की तारीख अगर उठा के देख लेना तो ये लोग तो आपको इस तरह के बेवकूफ किस्म के लोग हैं कहीं मिलेंगे, जो कह रहे थे कि वो इराक से भी हार के चला गया है, वो शाम से भी हार के चला गया है, वो लीबिया से भी हार के चला गया है। मुझे ये बताएं कि तबाह कौन हुआ? इराक तबाह हुआ आपके सामने, लीबिया तबाह हुआ आपके सामने, सीरिया में बशारत असद बच गया, वहां पे जो है तो रशिया ने स्टैंड कर लिया तो वो नहीं, बच गया, नहीं तो उसको उसकी भी जो हालत तबाह होती आप। तो हो गया ना, सीरिया तबाह तो हो तबाह गया। तो हो गया, तबाह हो गया। अब दूसरी तरफ ये देखें कि अगर ये समझते हैं कि अमेरिका चला गया तो आजकल टेक्नोलॉजी कौन से कहाँ पहुंच हुई है। अमेरिका आज भी इकोनॉमिक तौर पे दुनिया की एक सुपर पावर है, आज भी वो बहुत बड़ी सुपर पावर है। उसके अड्डे बहरीन के अंदर मौजूद है, उसके अड्डे मस्कत के अंदर मौजूद है, उसके अड्डे मतलब है कि पूरे गल्फ के अंदर मौजूद है। वो तो उसको 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 क्या मतलब है कि उसको वहां से उठ के तो वहां अफगानिस्तान जाना या कहीं मतलब उस रीजन में जाना, ये तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है इतनी बड़ी ताकत के लिए। मैं ये समझता हूँ कि वो ये तो अमेरिकन जो मफादात का तहफ़ुज़ करने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं। वो देखिए, मौजूद है। अभी आपने कह दिया था कि ये वो तालिबानी जो पहले वाले थे, मतलब ये हुआ कि उनको भी मेच्योरिटी आ गई है, पोलिटिकल मेच्योरिटी आ गई है, डिप्लोमेसी उनको आ गई है, जी उनको भी जी पता जी है कि हमने क्या क्या करना था कि अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल तो ये ऐसी बात नहीं होगी कि फिर मैं अगर मैं रिपीट करता हूँ कि अमेरिकन के मफादात का तहफ़ुज़ करने के लिए माशाल्लाह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी है, वो और भी बहुत हैं। ठीक है जी, तो इसलिए देखें ऐसे वो वक्त और हालात की बात थी ना डॉक्टर साहब, जो बात आपने की कि पाकिस्तान भी है और थी। अब अमेरिका के साथ जो मामलात हुए या अमेरिका के, आपको पता है जरदारी खारजा ने खुद बयान दिए, उनके बहुत सारे लोगों ने कहा पाकिस्तान ने हमारे साथ, बल्कि ट्रंप ने भी कितनी बार कह दिया था कि इन्होंने भी हमारे साथ चीट किया है भाई, इनके पैसे बंद कर दो, पैसे बंद कर दिए। आप देखो ना IMF और ये वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान में हुकूमत तो आजकल IMF और वर्ल्ड बैंक की है ना, तो इसलिए है ना कि वो कह रहे थे कि इन्होंने हमारे साथ जो है तो अफगानिस्तान के अंदर जो ये किया हम इसका बदला ले रहे हैं, और वो ले रहे हैं। उन्होंने अपना वजीर खारजा वहां पे बैठाया, अपना वजीर खजाना वहां पे बैठाया हुआ है, उन्होंने फैटफ के अंदर पाकिस्तान को रखा हुआ है। तो जो रोल पाकिस्तान पाकिस्तान वाया कंट्रोल वो कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं इंटरनेशनल वो कर रहे हैं, तो ये कि पाकिस्तान जीत रहा है तो अफगानिस्तान जीत रहा है, जो जिनका कोई शुमार ही नहीं उसमें। तुम्हारी नहीं। और देखें वही मैं बात आगे वो कहने वाला था कि जिस तरह पाकिस्तान को अमेरिका ने इस्तेमाल किया पैसा दे के, उन्होंने कहा वो हिलरी क्लिंटन की तो वीडियो मौजूद है वहां, उसके क्लिप होंगे सीधे स्ट्रेट। उसने कहा कि भाई हमने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान को कि ठीक है कि लेट्स डील विद द पाकिस्तान आर्मी, लेट्स डील विद द पाकिस्तान ISI, हमने उनको पैसे दिए तो उन्होंने, हमने उससे पैसे लेके तो उन्होंने रशिया के हमारी जंग लड़ी। तो आज आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान ये लड़ सकता है तो जो बात मैंने की, अब आपने बात इतनी खोल दी कि कल कोई और जो है तो कटा खुल जाएगा कि तालिबान को भी तो वो पैसे देके, अगर पाकिस्तान का रोल इतना रहा है तो अब वो उसका रोल खत्म हो सकता है। अब तालिबान अगर आ गए तो उनका भी तो रोल बन सकता है, वो भी तो पैसे लेके वो भी तो कोई कोई मतलब है कि ऐसी चीजें खेल सकते हैं उस खित्ते के अंदर के जो इनको इन लोगों को होश व आवाज ठीक होने आ जाएंगे सबको, इन सारे खित्ते के तरफ। एक छोटा सा सवाल, मैं उसको लिंक करना चाहता हूँ। देखिए, आपका कारोबार है और आप बात करते क्या, आपके पास लोग काम करते हैं, वो जी आप उनको कहते हैं ये काम करें, आप उनको पैसे देते हैं। ठीक है, तो जी यही कुछ बिल्कुल जी अमेरिका ने कहा जी हमारे ये करें पाकिस्तान वालों को, वो किया उन्होंने, एक बार ही किया, बार बार करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल दिहाड़ी जी बार थे ना, सीधी सी बात है, जी 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 काम करते बिल्कुल थे, पैसे मिलते थे। ठीक है, और फिर क्या, काम भी ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, नहीं, तो ये तो इसलिए तो उन्होंने कहा ना कि भाई ये ईमानदारी से इन्होंने नहीं किया, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसलिए फ्री हैंड दे दिया गया तालिबान को, अब उनको पैसे देंगे तो वो अगर मतलब यह कि ये काम ईमानदारी से वो करना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि तालिबान तो वैसे है थोड़े आपको पश्तून का एक वो तरीका तो पता है ना कि वो जो वादा करते हैं वो उसको तो पक्का करते हैं, तो अगर उन्होंने कहीं पक्का वादा कर दिया तो फिर सबके होश ठिकाने आ ही जाएंगे। अच्छा, ये मैं बात क्या कहना ये चाहिए पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, अमेरिका चला गया, तालिबान वन वे आर दी अदर कंट्रोल कर लेंगे, तो इसमें सारा जो यानी सारे मामला जो है, इसका असर जम्मू कश्मीर पर क्या पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्राइड एक, देखिए हम साउथ एशिया की बात करते हैं, साउथ जी एशिया जी की स्टेबिलिटी की बात हम करते हैं, ठीक है, अमन की बात अच्छा करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारा घर जो है वो तो जम्मू कश्मीर है ना, तो इस पर क्या चलो था? डॉक्टर साहब देखें इसमें जो सबसे ज्यादा असर है तो वो हमारे ऊपर ही पड़ रहा है ना, ऑलरेडी पड़ रहा है और आइंदा भी पड़ेगा। देखें उसमें जो है जो 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 सी पैक है वो जो जम्मू कश्मीर के रास्ते से गुजरता है, तो सी पैक का जो मेन रूट है गिलगित बल्तिस्तान, ये तो मेन मतलब लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान
ये पूरा मतलब सेंट्रल एशिया को जाके जो कनेक्ट करता है, तो उसमें तो रियासत जम्मू कश्मीर पूरा आता है, वो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अंडर द यूएन रेजुलेशन, ये इसका अभी फैसला होना बाकी है। अब ये दोनों मुल्क ये समझ रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से जा रहा है, अमेरिका जंग मतलब स्पेशली ना, इंडिया तो एक ताकतवर मुल्क है ना। मैं आपको ये सच्ची बात बताऊं कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग चल रही हो, तो वो कॉन्शियसली ये कर रहा हो कि ठीक है, मैं मुझे अगर मतलब या कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर है, अगर वो मुझे मिल गया या उस पे मेरा कंट्रोल हासिल हो गया या वहां के लोगों ने इसको एग्री कर लिया, तो इंडिया तो फिर भी शायद सर्वाइव कर जाए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक पोजिशन भी बेहतर है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उसके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है। अब पाकिस्तान ये समझ रहा है कि अमेरिका तो जंग करके तो अफगानिस्तान से निकल गया है। अब चाइना जो है, तो चाइना के साथ हमारे तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, चाइना ज़रा उनका पाकिस्तान का करीबी दोस्त भी है, इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, सारा कुछ है सीपैक के अंदर भी। तो वो ये समझ रहा है कि ये जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा जो जिसमें से जो सीपैक जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान, तो इसको जो है तो हम इंडिया के साथ उन्होंने इसलिए ये निगोशिएशन किया है, वो अंडर द टेबल के जो है जो जो हमारे पास है हमें दे दें, जो आपके पास है आप रख लें, उसी के ऊपर ये जो हम जो ये शुरू किया हुआ है इन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता मामला को आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये सी पैक की वजह से ही ये जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान, क्योंकि चाइना भी तो पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई बात है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये जो जो रीजन है ये जो गिलगित बल्तिस्तान का, इसका तो आपके पास कोई आईनी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई इंटरनेशनल लॉ के तहत आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, आपके जेर इंतजाम है, आपका कंट्रोल है, लेकिन अगर इस कश्मीर के अंदर कल में इतना बड़ा रिस्क, वही मैंने कहा ना पैसे की बात आ जाती है, कि उसका इतना बड़ा रोड जो बेल्ट वो बना रहा है, उसने कहा था कि इसको तस्वीर इसको जो है तो हल करो इस मसले को, तो हिंदुस्तान को भी कहा, पाकिस्तान को भी कहा, लेकिन ये जरा अपनी जिद पे अड़े हुए, इन्होंने कहा कि हमें तो ये फायदा है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, हमेशा ये कहता रहता हूँ कि ये जो मुल्क है इनको एक बात समझनी चाहिए कि जिस भी खत्ते के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहां के जो लोगों लोग होते हैं, उन लोगों को हुकूक दिए बगैर किसी भी मसले का जो हल है वो देरपा नहीं होता। अगर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इग्नोर करके, आजाद कश्मीर के लोगों को इग्नोर करके, श्रीनगर जम्मू लद्दाख के लोगों को इग्नोर करके कोई भी बड़े फैसले अगर ये बंदूक के जोर पे करेंगे, तो ये देरपा नहीं है और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये जो फेस जो ग्रेट गेम का जो सेकेंड हिस्सा आप जो कह रहे हैं, तो ये फिर कनेक्ट हो जाता है, और हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ ऐसी गपशप शुरू हो जाए। चाइना क्या करेगा, एक चाइना है ना जो जो मतलब है कि उस रीजन में जिसका इंटरेस्ट है, क्योंकि उसका तो सही पैक है, लेकिन दूसरी तरफ और भी तो बहुत सारे वीटो पावर रखने वाले कंट्रीज सुपर देखिए पावर देखिए मौजूद चाइना है। का आपने जिक्र बार बार जिक्र चाइना का आ रहा है। देखिए मैं अभी जो लेटेस्ट साहब से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन आज कुछ और में इन्फॉर्मेशन भी आई है। भाई लद्दाख में, लद्दाख जी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है जी। बेशक वो कहें जी भाई यूनियन टेरेटरी बना लिया, लेकिन इस पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से, ठीक है जी, हम तो वही मानते हैं। तो वहाँ पर इंडिया और चाइना जो है ना, वो एक लिहाज से आमने सामने खड़े हैं। और वो अभी जो ना मैंने जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक 2 लाख जो चाइना की आर्मी है वो लद्दाख में तैनात कर दी गई है। और ये भी देख लें कि जो फाइटिंग पीरियड होता है ना, आमतौर पर होता है जी, मतलब पाकिस्तान ने 17 दिन जंग लड़ी थी, जंग सितंबर जिसको कहते हैं 1965 की, तो जवाब दे गए थे, ठीक है। वो कहते हैं कि चाइना ने जो लद्दाख में अभी फौजी तैयारी की है, तो वो कम से कम 2 साल से ज्यादा जो है ना टाइम उन्होंने तैयारी कर लिया, कि इतना अरसा, इतना राशन, इतना असला, हर चीज हमने कर दिया है कि 2 साल हम जंग जारी रख सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया की भी बहुत बड़ी फौज वहां पर मौजूद है, ठीक है। तो ये किस लिए हो रहा है? आखिर कोई वजह होगी ना, इसका आउटकम होगा तो, या फॉल आउट क्या होगा? देखिए ये फॉल आउट है, मैं आपको बताऊं कि जो चाइना है उसने जो कैलकुलेशन जो की हुई है, ये समझता मुझे मुझे इस बात पे, मैं नहीं समझता कि चाइना या इंडिया के दरमियान कोई जंग हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है उसमें भी बहुत सारी जो ताकतें, देखें हिंदुस्तान को जो है वो अमेरिकन कैंप जो है समझा जाता है कि वो अमेरिका के कैंप के अंदर है, और जो वो वेस्ट के साथ उसके तरफ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्लोज अलाइज हैं और चाइना और हिंदुस्तान का एक हमेशा से एक जो मसला रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि उनको ये पता है कि आफ्टर ऑल जो चाइना है वो उनका फर्स्ट नेबर है, उनकी बॉर्डर उनके साथ मिलती है। अब मतलब है कि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं,
हैं वो ये समझने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ डेमोक्रेसी जो है तो वो बहुत इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है तो अंदर तक गई हुई है, और हर चीज पे वो डिस्कस करते हैं बैठ के, वो बड़ी दूर तक उनकी सोच होती है। तो मैं ये नहीं समझता कि वो अपने नेबर के साथ कोई इतना बड़े मसले पे कोई बड़ा मसला ओपन कर लेंगे, कोई इस तरह की जंग, कोई छोटे मोटे मामला जो बॉर्डर पे होते हैं वो लगे रहते हैं, वो तो वो लगे रहते हमेशा हैं वो उनके आपस में, वो तो लगे दूसरे रहते हैं। लद्दाख में नहीं दूसरी जगहों पर भी लगे रहते हैं उनके। हाँ तो वो तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़े लेवल पर इंडिया और चाइना का मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँ कि चाइना को ये पता है कि पाकिस्तान ने किस तरह, मतलब है कि अमेरिका के प्रॉक्सी बन के वहाँ रशिया के खिलाफ क्या किया क्या किया, ये सारी चीजें, हालांकि वो उनका बहुत स्ट्रेटेजी, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की जरूरत है चाइना को, ठीक है, इसलिए चाइना जो है तो पाकिस्तान के साथ क्लोज अलाई है, सारे कुछ है, बहुत सारे, अब बहुत सारे अंडर द टेबल जो 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 मायदे हुए हैं वो आपको और मुझे नहीं पता है सी पैक के हवाले से कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट ने आके सी पैक को रोकने की कोशिश की, उसको स्लो किया, उसको सारा कुछ किया, मतलब ये वो मामला किए, लेकिन चाइना को ये पता है अल्टीमेटली कि हमने ये जो पैसा लगाया हुआ है उसमें कोई ना कोई गारंटी तो पाकिस्तान से ली होगी। अब मैं ये समझता हूँ कि चाइना जो है तो उसको ये पता है कि हम अगर कोई ज्यादा पाकिस्तान ने ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो चाइना जो है तो वो गलगित बल्तिस्तान में अपनी आर्मी उतार भी सकता है, और वहां पे वो जो है तो वो लोगों से बातचीत भी कर सकता है कि भाई बात यह है कि ये रोड वन रोड जो बेल्ट है जो सी पैक का जो जा रही है वन रोड वन बेल्ट, ये जिसपे इन्वेस्टमेंट मेरी है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसलिए इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है, और तमाम मुल्कों को जो है ना उस खत्ते में, हम तो ये चाहते हैं कि अमन हो जी, उस खत्ते के लोगों ने बहुत इसमें जो खून देखा है। आपने बात की चाइना की और इंडिया की लड़ाई, यानी कार्ड्स पर नहीं है, छोटी मोटी लगी रहेगी, इसमें जो तजिया नगार हैं वो ये कहते हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तानी तजिया नगार हैं वो ये कहते हैं कि जो इंडिया है वो तैयारी कर रहा था लद्दाख के जरिए गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने की, तो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चाइना ने फौज दाखिल कर दिया है ताकि इंडिया जो है पाकिस्तान पर हमला ना कर सके, ताकि टू फ्रंट वॉर का खदशा बन जाएगा, और वैसे भी इंडिया जो है ना अगर चाइना की फौज इतनी बड़ी आ जाएगी तो शायद हमला ना करे पाकिस्तान पर, एक वजह ये भी वो क्या कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो सिचुएशन जा रही है तो क्या आप समझते हैं कि खिते में कोई जोग्राफियाई तब्दीलियां आने वाली है? लेकिन डॉक्टर साहब वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की ना कि उस खत्ते की जो ताकतें हैं, जो रीजनल फोर्सेस हैं, अगर उनके उन्होंने कोई खत्ते के अंदर कोई पॉजिटिव डिसीजन ना किए, कोई फरसुदा किस्म की जो सोच और जो पॉलिसी थी उनमें तब्दीली ना लाई, और इसी तरह जिस तरह हालात चल रहे हैं इसी तरह रहे, तो फिर उस खत्ते के अंदर बहुत कुछ होगा, उसमें कुछ तो खून बहुत होगा, उसमें जोग्राफियाई चेंजेस भी होंगी, उसमें पता नहीं फिर क्या क्या खदानों करेंगे, इस तरह के मामला बने, लेकिन उसमें फिर बहुत बहुत सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो जोग्राफियाई चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, फिर मुझे पता ही नहीं कि वहां पे क्या होगा और क्या नहीं होगा, अगर उस सूरत काल जिस तरफ मुझे जा रही है हालात जा रहे हैं, अगर उस इसको अगर ये फोर्सेज ये जो ओरिजिनल फोर्सेज हैं ये जो ममालिक हैं अगर ये इन टाइम इसको हैंडल न कर सके और लोगों को एतमाद हासिल न कर सके, क्योंकि डिवाइड तकसीम इतनी हो चुकी है कि आप पाकिस्तान के अंदर भी देख लें, अफगानिस्तान के अंदर भी देख लें, इतनी फोर्सेस बन चुकी हैं, कोई लेफ्ट पे कोई राइट पे, कोई एक्सट्रीम राइट पे कोई एक्सट्रीम लेफ्ट पे, कोई मतलब यह है कि वो इतनी तकसीम हो चुकी है, कोई सूबाइयत के नाम पे, कोई मजहबी नाम पे, कोई मतलब इस तरह से आप ये समझें कि वो हर किस्म की लसानी, मतलब यह है कि हर किस्म की तकसीम तकसीम दर तकसीम होती रही है पिछले कई सालों से, कई दहियों से, वो तकसीम अब इस स्टेज पे पहुंची है कि अब इसको अगर कोई तरीके से इन तमाम फरसुदा सोच को, फरसुदा पॉलिसियों को अगर खत्म करके कोई तमाम फोर्सेस मिलकर अगर करें तो कर सकती है, कोई एक मुल्क के बस की बात नहीं है, ज्योग्राफिकल चेंजेस जो सेकंड ग्रेट गेम जो आप कहते हैं तो वो फिर वो अगर होगी तो फिर तो वो वो तो अभी ग्रेट गेम तो अभी चलेगी, उस पर भी मैं मेरी भी काफ़ी रिसर्च भी है, अभी भी मैं उस पर कुछ रिसर्च कर रहा हूँ मजीद। अच्छा ये देखिए इस पर इसका खदशा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुछ गड़बड़ हो जाए। ये तो बहुत ज्यादा खर्चा है ना, ज्यादा खर्चा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ही है, जो जो फर्स्ट जो स्टेप होगा कि अफगानिस्तान के अंदर अगर खाना जंगी होती है ना तो देखें उसका फॉलोआउट डायरेक्ट मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, पहला पहला जो 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 इसका फॉलोआउट होगा, और उसमें पाकिस्तान के अंदर देखें अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं, तालिबान के लोग भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं,
फिर दूसरी फोर्सेज के लोग, जमात इस्लामी के लोग भी वहां पे रहते हैं, गुलबदीन मुख्तियार के लोग भी वहां पे रहते हैं, और फोर्सेज भी बहुत सारी हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ इस तरह से कोई मामला हो, फिर बहुत सारे दुखड़े भी हैं, कहीं TTP भी अफगानिस्तान में बैठी हुई है, उनके अपने दुखड़े हैं, दूसरे तालिबान है उनके भी कई ग्रुप है, उनके अपने दुखड़े हैं जो उनके साथ क्या क्या किया हुआ, कई हैं जो वही गुड गुड और बैड तालिबान की बात भी जाती है। तो ये अगर कोई इस तरह से गड़बड़ हुई तो गुड देखें, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, गुड तालिबान, बैड तालिबान तो चलता है, लेकिन गुड स्नेक एंड बैड स्नेक भी चलता है। क्या हो सकता है कोई गुड स्नेक ऐसा हो जो जिसमें जहर न हो? नहीं यार, सिर्फ दुश्मन को लड़े ऐसी बात भी होती है? नहीं, सांप तो होता है वो डंग तो मारेगा, लेकिन क्या पता गुड स्नेक ऐसा हो जिसका इन्होंने दम किया हो तो उसका जहर न चढ़े। अच्छा, दम किया हो? हाँ, हो सकता है ना कोई दम किया। मैंने इसलिए ऐसे कहा है कि तालिबान किसी मदरसे में तो नहीं तैयार होकर आए ना, वैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे वली खान को, वो कह रहे थे जी मुझे बताएं कि कौन सी दरसगाह है, कौन सा मदरसा है जहाँ पर टैंक चलाने की या मार्टल गन चलाने की ट्रेनिंग होती है, तो आप क्यों जी क्यों बिल्कुल नहीं तस्लीम करते कि आप इन लोगों को तैयार करके भेज रहे हैं? ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने जो बिल्कुल बातें, बहुत सी बातें कही थी वो ठीक साबित हुई। तो तालिबान को क्रिएट करने वाले गाड फादर कौन है ये भी हमें पता है, ठीक है। और लेकिन जो तालिबान कह रहे हैं या अफगान कह रहे हैं, अफगान लोग जो है तो वो तो अटक तक कहते हैं कि हमारा इलाका है। हाँ, वो तो जाहिर है, अफगानिस्तान तो कहते हैं, वो तो अभी थोड़े रिसेंटली तो मैंने एक दो बयान पढ़े थे कि अटक कर लिए, तो ये सारी पट्टी जो है तो ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, तो इस तरह से वो बातें तो वैसे से करते हैं। लेकिन बहरहाल जो मुल्क बन गए वो बने हुए हैं, लेकिन वो ये जो बहरहाल अफगानिस्तान के अंदर जो इतना अच्छा अमरका वहां पे रहा है और अब वहां से निकल गया है, तो अब देखें जो मैंने बात की है, मैं इसी बात पे कायम हूँ कि वहाँ के जो रीजनल फोर्सेज हैं उनको होश के नाखून लेके तो हो सकता है उस मुल्क के लोगों को अमन देखें। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात अगर खुदा ना खास्ता कोई खराब होते हैं तो उसमें भी डॉक्टर साहब बेगुनाह लोग कितने मारे जाएंगे, अल्लाह आप रहम ये तो करे। समझ। ठीक है जनाब, आप आपका बेहद शुक्रिया, आपने टाइम दिया, स्पेशली जब कि आप काम करके आए थे, रात का वक्त है, लेकिन ये देखें कि मैं भी आपके लिए जाग रहा था रात को, वैसे भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये आपकी बहुत नवाजिश डॉक्टर साहब, बहुत मैं आपकी बहुत लेट मोहब्बत है सोता हूँ, आपको। आपको जी पता है कि रात को मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ। बारह जी जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम सुना, ये रात को हमने बहुत लेट शुरू किया, आई होप के आपको पसंद आया हो। बहुत सी हमने चूंकि जनरलाइज बातें की हैं, कुछ बातें हम पिन पॉइंट करना चाहते थे लेकिन हमने सोचा कि ना किया जाए, इसलिए कि वो कहते हैं कि चलो जी मैं तो जा ही नहीं सकता उस अपने मुल्क में, क्या नहीं साहब जाते हैं आप तो सोच रहे थे कि मैं भी नहीं जाऊं, लेकिन मैं उस लाइन पर नहीं, इसलिए चलो। कि यहाँ पर भी कोई महफूज नहीं आजकल, ठीक है, सीधी सी बात होती है। जी। तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि जनरलाइज किया जाए, और यानी कहते ना भी शाम के खटारी में हाथ डालने का मकसद नहीं होता। सही तो बात। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस आप पूछें, क्या साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो दोबारा तशरीफ लाएंगे। वी लीव इट एट दैट, हमारी तरफ से खुदा हाफिज, लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू थैंक यू।